उत्तर प्रदेश के कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर में रविवार रात को 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आगरा जोन एडीजी अजय आनंद कासगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 15 नामजद आरोपी में से पुलिस ने 15 घंटे के अंदर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली सोरो क्षेत्र के होडलपुर गांव में रविवार रात को हुई 3 लोगों की हत्या के मामले के बाद आज आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद कासगंज पहुंचे। वहीं कासगंज पहुंचने के बाद एडीजी अजय आनंद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 15 आरोपियों में से 11 आरोपियों को 15 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं एडीजी ने बताया कि सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। कल की जो घटना हुई है, सबसे पहले ये बेहद अफसोसजनक और दुखद घटना है। इस फायरिंग में एक ही परिवार के 3 व्यक्ति मारे गए हैं और एक अभी जिनका इलाज चल रहा है अलीगढ़ में। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पर आज मौके पर आया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 घंटे में ही 15 में से जो नामजद 15 है उसमें से 11 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 घंटे के अंदर 7 मुलजिम हमारे कल रात में ही गिरफ्तार हो गए थे और उन पर जो हमारी जो अन्य जो कार्रवाई होगी जिससे उनको सख्त सजा मिले और लोगों में एक मैसेज जाए, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स में एक मैसेज जाए कि इस तरह की घटना का अंजाम उनके साथ भी बहुत बुरा होगा और पुलिस सख्ती करेगी। तो हम लोग अन्य कार्रवाई भी, विधिक कार्रवाई है, वो हम लोग भी कर रहे हैं। सर, घटना की वजह निकल के सामने आई, आखिर ये घटना क्यों हुई थी? देखिए, अभी घटना की वजह इसमें जो मुख्य वजह है, पिछले 1 साल पहले जो एक रंजिश हुई थी जिसमें एक लड़का एक लड़की की हत्या हुई थी, एक वो भी है और कुछ तथ्य भी इंटरोगेशन में उनसे बातचीत हो रही है। जो 11 हमारे पकड़े गए हैं उनसे जो इंटरोगेशन हो रहा है और पीड़ित पक्ष के लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है। तो जो जैसे जैसे तथ्य आते रहेंगे हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। पीड़ित पक्ष का नाम ले रहा है इसमें? देखिए, इस पर ठीक है, वो पीड़ित पक्ष का जो भी कहना चाहेंगे उनकी बात हम लोग गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि 4 दिन से एप्लीकेशन थोड़ा थाने में पड़ी है, क्यों नहीं कार्रवाई की 4 दिन में? नहीं, मैं इस पर दिखवा लूँगा। मैंने आते आते इनसे पूछा था, वो कल वो बता रहे थे, मैंने उनके वक्तव्य सुना था और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। 2 कॉन्स्टेबल आए थे, उन्होंने जाँच किया था। हमारे यहाँ के जो लोकल इंस्पेक्टर हैं 2 दिन की छुट्टी पर थे और किन परिस्थितियों में, अगर देखिए अगर उनकी कोई बात है कि जिनकी सुनवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो इसी सब चीज़ की जानकारी लेने मैं आया हूँ। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर कहीं से पुलिस की ढिलाई होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सीफर्स करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।